जय हिंद। हम ब्लड के पार्ट वन में आपको ब्लड के बारे में बताए थे, पार्ट टू में ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में समझाए थे, और पार्ट थ्री में हम आपको ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर समझा दिए थे। और उसमें बोले थे कि हम पार्ट फोर में हम आपको ये बताएंगे कि अगर पेरेंट्स का यानी मेल और फीमेल का ब्लड ग्रुप कौन सा है तो उसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप की संभावना कौन सी होगी। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टोटल 10 कैटेगरी के ब्लड के संभावना होती है, तो उसको समझने के लिए हम खुद एक बहुत शॉर्टकट 5 मेथड है। आप इस 5 पर ध्यान दीजिएगा तो आप सबकी संभावना निकाल लेंगे इजीली। चलिए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहला कि अगर ए और बी यानी मेल का ए हो या फीमेल का बी हो, या उल्टा भी सोच सकते हैं फीमेल का ए हो मेल का बी हो, तो बच्चे का क्या होगा। तो जब ए और बी वाले से अगर बच्चा पैदा होगा तो उसमें सारे के सारे ब्लड आने की संभावना होगी। तो यहां पहले लिख दिए ए एंड बी होने पर ऑल ग्रुप यानी कोई भी ग्रुप आ सकता है। तो पहला याद रखिएगा कि अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का बी है तो उससे पैदा होने वाली संतान में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा, जो ब्लड ग्रुप ए बी है अगर वो किसी अदर ग्रुप के साथ आए यानी मेल का, अब ये समझ रहे हैं ना, इसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, चाहे किसी को आप मेल फीमेल मान लीजिए, इतना बेवकूफ थोड़ी है आप लोग। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला अगर अदर से मैच कर गए, मतलब बच्चे के समय अदर से, तो ये ए बी वाले की दुश्मनी न केवल ओ से होती है। तो ये कहता है कि भैया हम सारे ब्लड ग्रुप की संभावना बना देंगे, ओ को नहीं बनाएंगे। तो ए बी जब अदर से करता है तो ओ को छोड़कर सब ग्रुप हो सकते हैं, जितने भी ग्रुप है ना सभी ग्रुप हो सकते हैं, बस ओ नहीं रहना चाहिए जब कभी भी ए बी बनाए। तो जैसे मान लिया कि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का बी है, केवल बी, तो ओ को छोड़ दीजिए, बाकी सब आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। तो ये समझ में आ गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। अब तीसरा समझिए, अगर कोई एक का ब्लड ग्रुप ओ है और उसको आप मैच कराएंगे अदर के साथ, तो ये कहता है कि भैया हम सबसे सीधे साधे ब्लड ग्रुप है, हमको जैसे मैच कराएंगे हम वैसे ही आ जाएंगे यहाँ पे। यानी अगर ए है यहाँ ओ है और ये बी से मैच करा रहा है तो यहाँ भी वही हो जाएगा, ओ हो जाएगा और बी हो जाएगा। यानी अगर एक का ए है ओ है और एक का बी है तो बच्चे में भी ए या बी की संभावना है, अगर ओ है या ए है तो बच्चे में भी ओ या ए हो जाएगा। अब यहाँ समझिए चौथे वाले में कंडीशन, एक ओ का ए बी से कोई रिलेशन नहीं है, अगर ए रहेगा ओ रहेगा तो ए बी नहीं रहेगा, यानी ओ और ए बी कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो चार नियम आपको ध्यान में हो गया, अगर ए बी है तो कोई भी ग्रुप आ सकता है, ए बी अगर किसी और के साथ आएगा तो ओ के छोड़कर सबको लाएगा, ओ जिसके साथ आएगा सेम टू सेम इधर भी हो जाएगा। चौथा आप समझ गए, ओ का ए बी से कभी रिलेशन नहीं हो सकता, ये दोनों कभी भी साथ नहीं आ सकते हैं। चार तो ट्रिक आप समझ गए। अब पांचवा समझिए, अगर सेम सेम ब्लड ग्रुप रहेगा माता पिता का, यानी इधर भी ए है इधर भी ए है, इधर भी बी है इधर भी बी है, तो जब सेम सेम रहता है ना तो क्या होता है, एक ओ को लाएगा और जो सेम वाला है वो खुद आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो बच्चे में किसकी संभावना बनेगी, या तो वो ओ होगा या तो जो सेम सेम वाला था ए होगा, वही संभावना बनेगी। आप इसको समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम समझाते हैं ये कैसे बनेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो वीडियो को एक मिनट के लिए रोकिए और वो जो पांचों आपको ट्रिक बताए थे उसको याद कीजिए। जब याद हो जाए तब वीडियो को प्ले करके देखिए, आप आराम से बना लेंगे टोटल ब्लड ग्रुप। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ओ को मैच करके देखते हैं, ओ कितने लोगों से मैच करेगा। तो ओ टोटल चार लोगों से मैच कर सकता है। मान लिया कि ओ है ये मैच कर जाए ए के साथ, ये ओ है ये मैच कर जाए बी के साथ, ये ओ ए बी के साथ मैच कर सकता है, या ओ खुद ओ के साथ कर सकता है। अब इस आधार पर हम आपको बताए थे जो फॉर्मूला आप याद कीजिए,
वो जब भी जिसके साथ मैच करेगा तो खुद वो आएगा, मतलब सेम सेम यहाँ भी आ जाएगा। तो बच्चे में भी संभावना क्या होगी, या तो वो होगी या तो ए होगी। ये हम आपको बता दिए थे, आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, समझाए थे। वो जब भी आता है सेम सेम यहाँ उतर जाता है, तो वो इसमें भी हो जाएगा, बी भी हो सकता है। अब यहाँ याद कीजिए कि ओ का ए बी के साथ नहीं जमता है, कहता है कि हम तुमको छोड़कर सबको लेते आएंगे, ये दोनों साथ नहीं रहेंगे, तो ना ओ आएगा ना ए बी आ जाएगा, ये बन जाएगा ए या बी। तो ये बच्चे में संभावना हो जाएगी ए या बी। अब आप बताइए ये वाला किस फॉर्मूला पे जाएगा, सेम सेम वाले पे जाएगा। जो पांचवा फार्मूला था दोनों सेम रहे, तो सेम सेम में क्या होता है, ओ आता है और इसमें जो सेम वैल्यू है उसमें से आ जाता है, तो ओ आएगा और सेम वैल्यू भी तो ओ ही है, तो ये ओ आ जाएगा। तो बताइए ये जो संभावना है ये किसके साथ है, ओ के साथ। अब हम अगला समझते हैं ए के साथ, ए कितने तरह से पेयर बना सकता है। तो पांचवा छठवा सातवां ये हम लोग समझ जाते हैं ए के साथ। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ए, देखिए ए ओ से बना चुका है, अब ए ओ से नहीं करेगा, हो सकता है ए ए से कर ले, ये वाला ए बी से कर ले, और यही वाला ए ए बी से कर ले। अब आप कहिएगा ओ से क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ ओ से तो कर चुका है। अब यहाँ आप संभावना बना लीजिए कि बच्चे में संभावना क्या होगी। फॉर्मूला देखिए, सेम सेम रहता है तो एक ठो लाता है ओ और एक लाता है सेम वाली वैल्यू, तो ये सेम वाली वैल्यू हो गई। अब देखिए आपको पहला फॉर्मूला बताए थे, ए बी अगर रहेगा तो सबसे ज़्यादा संभावना होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, तो ये संभावना सबसे ज़्यादा लाता है। अब ये बताइए, ये हम बताए थे कि अगर ए बी आता है, अगर ए ए बी किसी से मैच करता है तो ओ को छोड़कर वो सबको लेके चला आता है, तो ये ए को भी ला सकता है, बी को भी ला सकता है, खुद ए बी भी आ सकता है, लेकिन ओ को ये नहीं लाएगा। तो ये जो संभावना बन रही है ये ए के साथ बन रही है। अब हम समझते हैं बी कैसे कैसे बनाएगा, तो उसके लिए एक और बनाते हैं, आठ और नौ। देखिए ये आठ नौ कैसे, क्योंकि अब यहाँ हो गया बी, बी किसके किसके साथ मैच कर सकता है। देखिए यहाँ बी ए के साथ मैच कर गया है, अब उसको नहीं लगाएंगे, और यहाँ बी ओ के साथ मैच कर गया है, यानी बी बचा एक अपने बी के साथ और एक ए बी के, ए बी के साथ बच गया, यही ना बच गया। अब आप बताइए यहाँ कौन फॉर्मूला लगेगा, सेम सेम है तो क्या होता है, ओ आता है और खुद एक तो सेम वाली वैल्यू आ जाती है, तो एक ओ आ जाएगा, एक खुद ये वाली वैल्यू बी आ जाएगी। अब आप बताइए ए बी जिसके साथ भी मैच करे, ए बी जिसके साथ भी, तो ओ को छोड़ के वो सबको लेके चला आता है, तो ओ को छोड़ दीजिए, सबको लाएगा, किसको लाएगा, ए को लाएगा, बी को लाएगा और ए बी को ला सकता है। ये ए बी जो रहता है ओ को लेकर नहीं आता है, ये हो गया यहाँ पर। ये किसके साथ संभावना बनी, बी के साथ। अब यहाँ समझिए ये 10 नंबर में क्या होगा, देखिए ओ सबके साथ हो चुका है, ए सबके साथ हो चुका है, बी हो चुका है, अब बचा ए बी। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ए बी जो है वो बी से कर चुका है, ए बी जो है वो ए से कर चुका है, ए बी जो है जो ओ से कर चुका है, तो यहाँ बचा केवल ए बी से। अब यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाएंगे दो फार्मूला में, पहला कि सेम सेम वाला फार्मूला लगाएं कि सेम सेम होता है तो ओ आता है और खुद एक ये वाली वैल्यू आती है। आप सोचिए इसमें क्या ओ आएगा, नहीं आता है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन वाला, ए बी वाला, कि जब भी ए बी किसी से मैच करता है तो ओ को छोड़ देता है, बाकी सबको वो ले आ सकता है। ये समझ में आ गया, तो ये वाला जो ग्रुप है किसके साथ है, ए बी के साथ, ए बी के साथ। तो यहाँ देखिए चार, ये ए के साथ कितने, ओ का ग्रुप कितने के साथ बना, चार, चार तीन दो एक, इस तरह से संभावना बना। तो ये आप एक एस्पेक्ट्स में बना सकते हैं कि ये बच्चे में इसी तरह संभावना होगी। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसमें केवल पांच फॉर्मूला ही रहता है, आप पांच फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अगर ये एग्जाम में आता है ना तो अक्सर लड़का इसको छोड़ देता है, तो आप नहीं छोड़िएगा, वो पाँच फॉर्मूला याद रखिएगा। ये ब्लड का चौथा पार्ट था, इसी के साथ ब्लड पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया। अब ब्लड में बचा तीन चीज, अब एक अलग पार्ट पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, कि शरीर में ब्लड कैसे कैसे घूम है, यानी सिरा धमनी महासिरा महाधमनी ये सब के बारे में। उसके बाद एक और वीडियो बनेगा हार्ट के बारे में, कि दिल के अंदर खून कैसे घूमता है, दया नीले बाया नीले, दाया अलिंद बाया अलिंद, वो हो जाएगा आपका। फिर अगला जो पार्ट होगा उसमें ब्लड प्रेशर ईसीजी वगैरह के बारे में बता देंगे। आप देखे होंगे ईसीजी का जो ऐसे साइन जाता है ऊपर नीचे ग्राफ घूमता है, जिसे हम कहते हैं पीक्यूआरएस ग्राफ, वो सब भी समझा देंगे आप लोग को। तो अभी ये ब्लड का चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर
हम आगे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे, फिर हार्ट, उसके बाद ब्लड प्रेशर।